नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 News। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि बिना आग जलाए खाना बनाया जा सकता है? सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जहां छात्रों ने बिना आग जलाए ही सैकड़ों प्रकार की रेसिपी तैयार कर एक कुकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। आपको बताते चले कि बिल्कुल संभव है कि बिना आग जलाए ही खाना बनाया जा सकता है। ऐसा कर दिखाया है फतेहपुर जिले के सिविल लाइन स्थित RS एक्शल इंग्लिश एकेडमी के नन्हे मुन्हे छात्रों ने। जब हमारी टीम ने उस मासूम बच्चों से बात किया तो बताया कि हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने ही हमें नॉन फायर कुकिंग की प्रेरणा दी, जहाँ हम सब छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें हमने सूखे ब्रेड, खोया, पनीर, बादाम, आंवला, नारियल आदि में अमेरिका, कनाडा और दुबई जैसे बड़े देशों के मशहूर मिठाई और रेसिपी तैयार की। RS एक्शल इंग्लिश अकेडमी एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो अनुभव आधारित शिक्षा को प्रेरित करता है। समय समय पर विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन अनुभव आधारित शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। वहीं पर RS एक्शल इंग्लिश अकेडमी की प्रिंसिपल वीना श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरावस्था के बच्चों को बिना आग के पकाने की प्रक्रिया सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो उनके सुरक्षा में महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचय कराता है। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस उम्र में वह पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते। आज का प्रयोग जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब बच्चों को इसका सही अनुभव ना हो। बिना आग के खाना पकाने की विधियां जैसे ही सलाद बनाना, सैंडविच तैयार करना या फलों का सलाद बनाना उन्हें भोजन की तैयारी में मूलभूत कौशल सिखाती है। Your good name? My name is Darshan. I am Atharas Dwivedi. I am Nish. I am Siddharth. And we are the members of SAR. And we have made various types of dishes. As you can see, that there are sweet delight, Swiss rolls, chocolate balls, and chamchum. And the chamchum is made up of bread which has been cut into circles and had been pasted into cream which has some dry fruits. And it is dipped into rose syrup and has some drop, this is said coconut. And with some dry fruits it has been made. So we have made a sweet dish which is called pedas, and we have made it by ourselves. And my name is Aradhya, she is Nancy, and she is Aradhya Pal. And we have made it by milk powder, by coconut powder, and by sugar. And we have also used many dry fruits like cashew and jaggery and etc. to make it. Thank you. Your good name? My name is Aradhya Dwivedi. जी मैम, आज आपके स्कूल में कुकिंग कंपटीशन का आयोजन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा किया गया, क्या थीम रहा और किस प्रकार का सोच लेकर के स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है इन सब प्रोग्रामों को? एक्चुअली देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार था, ये था कि बच्चों को कुछ मीठा बनाना भी आ जाए और बच्चे उपलब्ध सामग्री से क्या कुछ बना सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं जिसे वो कुछ नया बना के दे सकते हैं। उनको बस एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है। सोच तो उनके पास बहुत अच्छी है, अगर हम एक दिशा देंगे तो वो क्या कुछ नया करके दिखा सकते हैं वो हम आप भी नहीं सोच सकते। क्या लगता है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल, अगर वो कहीं खाली बैठे हैं और कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ आई कि उनके पास गैस नहीं है तो कुछ बना के खाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, वो खाली नहीं रहेंगे, अपने साथ साथ अपने सहयोगी जो भी उनके साथ है।